जैसे जैसे गर्मी अपनी तेजी पर आती है उतनी ही तेजी से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपने को तरोताज़ा रखने के लिए हमें एक ऐसे ड्रिंक की ज़रूरत होती है जो हमें तरोताज़ा तो रखे ही, साथ में हमारे एनर्जी लेवल को भी बनाए और हमें एक कूलिंग इफेक्ट भी दे। तो आज की वीडियो में हम इन सारी क्वालिटीज़ वाले एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ यही क्वालिटी, हमारी हेल्थ के लिए और भी ढेर सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को पीने से, इसको यूज़ करने से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सत्तू के बारे में। जी हाँ, वो सत्तू ही है जो हमें इतनी सारी क्वालिटीज़ देगा, हमें गर्मी से लड़ने में हमारी मदद करेगा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो लोग यूपी, बिहार और एमपी को बिलोंग करते हैं वो लोग सत्तू के बारे में बखूबी जानते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने रूटीन के डिशेस में इसको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, सत्तू को दुनिया भर में जाना जा रहा है और अब इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। अभी जब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानेंगे तो शायद आपको ये बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा और जस्टिफाइड भी लगेगा। बिहार में जो लिट्टी चोखा एक डिश बनता है, उसमें जो लिट्टी है उसमें सत्तू को भर के उसको बनाया जाता है। पूरी पराठे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ग्लूटन से एलर्जिक हैं या जो लोग ग्लूटन फ्री डाइट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गेहूं के आटे का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सत्तू, क्योंकि ये ग्लूटन फ्री होता है। तो आप सिर्फ एक इसी बात से समझ सकते हैं कि सत्तू के कितने सारे फायदे हैं और कितनी सारी वैरायटी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ डिशेस बनाने में बल्कि इसको पानी में मिक्स करके इसका नमकीन या मीठा एक शरबत भी बनाया जा सकता है, जिस ड्रिंक की, रिफ्रेशिंग ड्रिंक की अभी मैंने आपसे शुरू में बात की थी। सत्तू को हम अपने घर में भी बना सकते हैं, हालांकि ये मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम इसको घर में जो काबुली चना होता है या जो काला चना होता है उसको कढ़ाई में रोस्ट कर लें बिना घी के, ऑयल के, और उसके बाद जब वो कड़क हो जाए तो उसको मिक्सी में पीस लें। अब ये जो हमारे पास पाउडर आ गया है ये सत्तू है, इसको हम अपने ड्रिंक के लिए और अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। सत्तू में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट है, इसके साथ ही आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का रिच सोर्स है, और भी कई सारे विटामिंस और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो हम सत्तू को एनर्जी का पावर हाउस भी कह सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सत्तू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत सारी, जो गर्मियों में हमें समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं उनसे हमें निजात दिलाता है। अब जब हम इसके फ़ायदों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला फ़ायदा है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ये जब हम इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो जो हमारा स्टमक है और जो हमारी आंतें हैं वो अच्छे से क्लीन होती हैं, और जो टॉक्सिन्स हैं जब वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसके लिए हमें सुबह खाली पेट एक ग्लास सत्तू का शरबत लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में है और फाइबर भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे बाउल मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जब हम बात कर रहे थे फाइबर कंटेंट की, तो एक कप सत्तू में 10 ग्राम फाइबर होता है, जो कि गेहूं के आटे से 3 गुना है। दूसरा, ये वेट लॉस में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हम सत्तू के वेट के हिसाब से देखें तो इसमें 20% प्रोटीन होता है, और फाइबर की हमने अभी बात की कि फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो जब भी हम सत्तू खाते हैं अपनी डाइट में, चाहे शरबत के रूप में लें चाहे किसी और रूप में, तो हमारा जो पेट है, हमारा जो टमी है, वो बहुत देर तक भरा भरा रहता है और हम अननेसेसरी बिंज ईटिंग से बच जाते हैं। इसके लिए भी सुबह खाली पेट हम सत्तू को लेंगे तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा,
ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से बचाएगा और कैलोरीज को बर्न करने में भी हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जब हम सत्तू को हर दिन अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो सत्तू जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। सत्तू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आटे और मैदा के कंपैरिजन में बहुत कम है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ लोगों पर 5 वीक स्टडीज की गई, उनको गेहूं के आटे की जगह सत्तू का सेवन कराया गया, तो उन स्टडीज में पाया गया कि जो उनका LDL का लेवल था, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल था, वो करीबन 5% कम हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती और स्पेशली समर्स में उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, तो वो सुबह खाली पेट 1 ग्लास सत्तू का शरबत लें तो उनको खुलकर भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सत्तू में कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि प्रोटीन अच्छी मात्रा में है तो फीमेल्स में, लेडीज़ में जो उनके पीरियड्स के दौरान उन्हें प्रॉब्लम आती हैं, उस समय अगर वो सत्तू का सेवन करेंगी तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। हमने शुरू में यही बात की थी कि गर्मियों के दिनों में जब लू चल रही होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत तेज होती है, तब हमें सत्तू का ड्रिंक हर दिन पीने से एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, हमारे पेट की गर्मी शांत होगी और उस लू से हम बच पाएंगे। कई बार हमारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, हम थका थका फील करते हैं, तो इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जैसा कि हम बात करते हैं कैरी के बारे में, कच्चे आम के पन्ने के बारे में, उसी तरह से हमें सत्तू से भी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो जब भी हम गर्मियों में बाहर निकलें धूप के समय, तो हमें 1 ग्लास अगर हम सत्तू का शरबत पी के निकलेंगे तो हम उस लू से अपने को बचा पाएंगे। सत्तू को हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उस दौरान भी सत्तू को खाया जा सकता है, ये बिल्कुल सेफ है हर पर्सन के लिए। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम सत्तू को किस समय खाएं। तो अपने में एक कंप्लीट फूड है, हम इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में से किसी भी मील में ले सकते हैं, लेकिन जो इसके बेस्ट बेनिफिट्स हैं वो हमें सुबह खाली पेट खाने से मिलेंगे। कोई भी फूड आइटम हमारे लिए कितना भी बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद हो, लेकिन अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। यही चीज़ सत्तू के केस में है, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे इसको तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैस बनती है उन्हें भी सत्तू का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन्हें भी इसके सेवन को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को चने से एलर्जी है तो उन्हें भी सत्तू के सेवन को सोच समझकर ही करना चाहिए, और बारिश के मौसम में भी हमें सत्तू का सेवन कम करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने डिटेल बात की सत्तू के बारे में कि कैसे हम इन गर्मियों में बहुत सिंपल से तरीके से अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं, एनर्जेटिक भी रख सकते हैं और कूल भी रख सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ड्रिंक्स को लेने की या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लेने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आप को हेल्दी रख सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।